ओके, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ सीरीज़ में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एपिलेप्सी। सो एपिलेप्सी जो है एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि रिलेटेड है सीज़र से। तो बहुत सारे लोग सीज़र्स और एपिलेप्सी को एक ही बीमारी समझते हैं, बल्कि ये जो दोनों बीमारियाँ हैं वो अलग अलग हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो सीज़र बीमारी था उसको मैंने डिस्कस कर दिया था, सीज़र को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। एंड अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ एपिलेप्सी। सो व्हाट इज़ एपिलेप्सी? सो एपिलेप्सी इज़ अ रिकरेंट क्रॉनिक सीज़र डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन ऑफन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जैसे कि हमने सीजर्स में भी पढ़ा था कि उसमें एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर होता है। तो एपिलेप्सी और सीज़र में अंतर क्या है? एपिलेप्सी और सीज़र में ये अंतर है कि एपिलेप्सी जो है वो रिकरेंट है, मीन्स एपिलेप्सी इज़ अ रिकरेंट सीज़र डिसऑर्डर। ओके, उसमें क्या हो रहा था? एक बार दौरे पड़ रहे थे। बट एपिलेप्सी का क्या मतलब है? मिर्गी, मिर्गी इन द सेंस कि इसमें रिकरेंट होता है, जो सीज़र में एक बार होता है इसमें वो बार बार होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों बीमारियों के अंदर, दैट इट इज़ अ रिकरेंट। सबसे पहले ये रिकरेंट होता है, दूसरा ये क्रॉनिक होता है। ओके, वो क्या होता है? वो अक्यूट होता है और ये होता है क्रॉनिक। इट अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 million पीपल इन वर्ल्ड वाइड। इट यूजअली कंट्रोल्ड बट नॉट क्योर्ड। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बट पूरी तरीके से इसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब जान लेते हैं इसकी एटियोलॉजी, इसके कारण के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे देखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ बर्थ इंजरी दैट अकर टू द बेबी ड्यूरिंग लेबर। मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसके दौरान अगर बच्चे को कोई हेड में चोट लग जाती है, या तो हेड इंजरी हो जाती है, या कोई भी ऐसा कोई भी बर्थ इंजरी हो जाती है उस वक्त, तो इस वजह से ये हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है इन्फेक्शन टू द ब्रेन। अगर ब्रेन में किसी तरीके की इन्फेक्शन है लाइक मेनिनजाइटिस और इंसेफेलाइटिस, तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। थर्ड वन इज़ ट्रामा। ट्रामा कैन बी फिजिकल ट्रामा और मेंटल ट्रामा। फोर्थ वन इज़ जेनेटिक फैक्टर। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिलेप्सी के लिए, तो जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ फीवर, पर्टिकुलरली इन यंग चिल्ड्रन, फीवर की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मैंने सीजर्स में बताया था कि अगर फीवर की वजह से सीजर्स आएगा तो उसे हम कहते हैं फेब्राइल सीजर। तो अगर फीवर की वजह से एपिलेप्सी होता है तो उसे हम कहते हैं फेब्राइल एपिलेप्सी, और ये ज़्यादातर यंग बच्चों में देखा गया है। उसके अलावा जो कारण है वो है समटाइम्स इडियोपैथिक। दे यूजुअली सीन इन चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट बट कैन अकर एट एनी एज ग्रुप। देयर मे बी ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी। जो नेक्स्ट जो कारण है वो है इडियोपैथिक। मतलब इसका कोई खास हमें कारण पता नहीं चला है, बट इसको हम देख सकते हैं कुछ यंग अडल्ट में देखे जा सकते हैं, तो कुछ बच्चों में देखे जा सकते हैं। और क्यों देखे जा सकते हैं? ड्यू टू एनी फैमिली हिस्ट्री। मतलब अगर फैमिली में अगर किसी इंसान को हुआ है तो उस वजह से बच्चे के अंदर वो आ सकता है, या तो जेनेटिक्स की वजह से आ सकता है। सो ये था इसका कारण। अब जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे पीपल्स हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एपिलेप्सी आने के खतरे होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री। ओके, फैमिली में अगर किसी को पहले से मिर्गी का दौरा पड़ता है तो अगले वो जनरेशन में या तो जा सकता है, तो जेनेटिकली हो सकता है, या तो सेकेंड पर्सन को ये हो सकता है। ओके, सेकेंड वन इज़ एनोरेक्सिया। थर्ड वन इज़ हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकती है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आ रही है उस वजह से हो सकती है, या तो कोई पर्सन है वो ड्रग ओवरडोज कर लेता है, बहुत ज़्यादा ड्रग ले लेता है, उस वजह से उसे हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन, अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसे भी एपिलेप्सी आने के खतरे होते हैं। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर्स। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मीन्स इसका साइन और सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स और जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं इस बीमारी के अंदर। सो फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ स्पीच एंड हेमिप्लेजिया। हाफ साइड पैरालिसिस हो सकती है इस डिजीज़ की वजह से, या बोलने में दिक्कत आ सकती है। वेट लॉस हो सकता है इस डिजीज़ की वजह से, और एडिमा या तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। एनोरेक्सिया एंड इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, रातों को नींद नहीं आती है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। ड्राउजीनेस, डिप्रेशन एंड मेमोरी लॉस देखने को मिल सकता है। पैलर एंड साइनोसिस देखने को मिल सकता है। टैकिकार्डिया देखने को मिल सकता है।
ओके, साथ ही साथ ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस एंड हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। सो ये सारे जो थे वो थे साइन और सिम्टम्स ऑफ द एपिलेप्सी। अब जान लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में कि इस डिजीज़ को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, उसका हेड टू टो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, साथ ही साथ इमेजिंग स्टडीज़ में सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की एडवाइस करते हैं, उसके अलावा एक्सरे करवाते हैं, साथ ही साथ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम ब्लड टेस्ट की एडवाइस करते हैं, ब्लड रूटीन टेस्ट कराते हैं, उसके अलावा ईईजी मींस इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो कि ब्रेन का हम करवाते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टूल्स से हमें ये फाइंड आउट हो जाता है कि सामने वाले को एपिलेप्सी है या नहीं है। अब जान लेते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दे सकते हैं लाइक डायजीपाम एंड सोडियम वालपोरेट। ये सारे जो ड्रग्स होते हैं वो एपिलेप्सी के अंदर पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसके थ्रू ये जो बीमारी है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। बट इस बीमारी का कोई भी ऐसा खास इलाज नहीं है, प्रॉपर इसका क्योर नहीं है, बट इसे हम सिम्टम्स इसके द्वारा हम सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। सो ये था एपिलेप्सी का लेक्चर। एंड अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कोई आपको टर्म समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।